फास्त इकदाम के बगैर काम करवाने का होलनाक अंजाम सामने आया है। मनावा में लोहा पिघलाने वाली भट्टी ने मजदूर को पिघला दिया है। स्क्रैप भट्टी में डालने के दौरान मजदूर भट्टी में गिरकर जान बहक हो गया। पुलिस भी मामले से लाइल्म निकली है। तफसीलात जान लेते हैं। उमर जावेद और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सरफराज, इन दोनों से तफसीलात जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उमर जावेद से। जी उमर, बताइएगा क्या वाकया पेश आया है। ये के इलाके में लोहा पिघलाने वाली भट्टी है, जिसके अंदर 28 तारीख को यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज जो है लाहौर पर देखी जा सकती है कि एक मजदूर जो है वो भट्टी के अंदर लोहा डाल रहा है, और जैसे ही वो अपनी रेड़ी से लोहा जो है अंदर डालता है तो वो खुद लड़खड़ा कर उसमें गिर जाता है। जब देखते हैं मजदूर जो खड़े हैं तो उसकी जान बचाने के लिए आते हैं, लेकिन भट्टी का टेम्परेचर जो है वो इतना ज्यादा आता है कि वो आगे नहीं जा पाते। और ये वाकया जो है क्योंकि वहां पे कोई फेंस वगैरह नहीं लगी हुई थी, कोई हिफाजती इंतजाम वगैरह नहीं हुए थे, जिसकी वजह से जो मजदूर है वो ट्रॉली से थी भट्टी के अंदर गिर जाता है, जिसके बाद बचने के लिए तमाम फुटेज के अंदर देखा जा रहा है मजदूर भाग, लेकिन कोई भी उस मजदूर को नहीं बचा पाता। एक तो मजदूर की जान गई, दूसरी जाने पुलिस को भी इस मौके से लाइलम रखा गया है, और कोई भी कानूनी कार्रवाई ना तो भट्टी के मारी के खिलाफ की गई और ना उसके खिलाफ की गई है। अच्छा उमर, ये भी बताइएगा कि क्या सिर्फ आज ही फास्त इकदाम नहीं किए गए थे या हर रोज ऐसे ही काम किया जाता था? क्योंकि जो सीसीटीवी देखी जा सकती है उसके अंदर तो कोई भी जो फेंस होती है जो बाहर लगी होती है आपसे आगे ना जाने से रोकने के लिए वो फेंस है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। अगर आप सीसीटीवी देखें मजदूर जो है वो बगैर किसी हिफाजती गैजेट के काम कर रहे हैं, और ये मजदूर भी अपनी ट्रॉफी के जरिए लोहा जो है वो अंदर फेंक रहा और इस दौरान उसका पकड़ाया वो खुद की में जा गिरा। जी अच्छा उमर, ये भी बताइएगा कि इसका मालिक कौन था, कुछ पता चल सका? जी सही तौर पर तो ये क्या ही छुपाया गया था और दिया गया, और ना ही मजदूर के जो उनको कोई कानूनी कार्रवाई थी वो दी गई थी, लेकिन छोटे मुद्दे यहाँ पे आ रही है तो उम्मीद नहीं की जा रही है कि कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और पब्लिक है उसको भी मगर यहाँ पे लाया जाएगा और उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो अमल में लाई जाएगी। ठीक है उमर।